بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل सुनने की ऐसी तौफीक दे जो अल्लाह हमारे लिए नजात का जरिया बने। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम का मामला फरमाए, करम का मामला फरमाए, फजल का मामला फरमाए, सारा मामला फजल इलाही पर है, सारा मामला अल्लाह की फजल और करम पर है। और जैसे ये बच्चा भी कह रहा था, पहले बस में कौलहर सजाई गई, बाद में आपके ज़ात मंजर पर लाई गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमको उस ज़ात करीम, ज़ात मुक़द्दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब करे, और उनसे जो ताल्लुक़ होना चाहिए उम्मती को, अल्लाह ताला हम सबको वो ताल्लुक़ नसीब कर, उस ज़ात के करीम को समझे बगैर और उनसे ताल्लुक़ किए बगैर हिदायत और कामयाबी का रास्ता नामुमकिन है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने फजल से अपने ख़ास बंदों में अल्लाह ताला शुमार करें। यहाँ अल्लाह के फजल से कुछ अरसे से सूरह फातिहा के बारे में अर्ज किया जाता रहा, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ये दौलत हमें नसीब करे, सूरह फातिहा को समझने की तौफीक अता करे, और उसमें जो छुपे खजाने हैं, जो हकाइक हैं, अल्लाह ताला हम सबको वो नसीब करें। थोड़ी सी कोशिश की गई कि सूरह फातिहा के बारे में कुछ अर्ज किया जाए, और ये तो अल्लाह का कलाम है, इस पर अगर सारी उम्र या क़यामत तक इंसान कलाम करे तो इसका हक पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे अंदर जो सुस्ती है और हमारे अंदर जो गफलत है, वो गफलत दूर नहीं होती। हमारे अंदर जो दिलों पर जंग है, वो जंग दूर करने की हम कोशिश भी नहीं करते। और जो ये बारहा अर्ज किया गया कि ये समझने के लिए पहले दिल को साफ करना है, गुनाहों से बचना है,
फिर जाकर सूरह फातिहा की और नमाज की बरकतें हासिल हो जाएंगी, वरना खाली पढ़ने से और खाली सुनने से मामला नहीं बनता, कोई चीज़ नहीं बनती। जब तक न इंसान एक सही करे, एक मुखलिसाना कोशिश करे कि ये ज़िंदगी हमारी ज़ाया ना हो जाए, अल्लाह ताला ने जो हम पर करम किया, कुरान करीम को नाजिल फरमाया, कुरान करीम को हमारे पास भेजा, ये दौलत फरिश्तों को भी हासिल नहीं, फरिश्ते भी इस दौलत से महरूम रहे, ये दौलत बनी आदम को दी गई, उम्मत मुहम्मदिया को दी गई कुरान करीम की दौलत। तो इससे जितना भी इंसान अपना शगफ पैदा करे, इसके साथ जितना लगाव पैदा करे, और इसके अभी ये जो सूरह बकरा, इसके बाद जो सूरह बकरा यानी पहले सूरह फातिहा के बाद अल्लाह ताला ने कुरान करीम को सूरह बकरा से शुरू किया, और सूरह बकरा जो है जिसमें 286 आयतें हैं, और ये मदनी सूरा है, और इसमें बकरा असल में गाय को कहते हैं, इसमें एक वाक्य बकरा के गाय के मुतल्लिक है जो बनी इसराइल में वक़ूअ पज़ीर हुआ। तो इस सूरह बकरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने एक रिवायत में 8 साल है और एक रिवायत में 12 साल, 12 साल में सूरह बकरा को याद किया, और उसके बाद खुशी के तौर पर बकरी या ऊंट को ज़बह किया कि आज जो है सूरह बकरा पूरा हुआ। 12 साल लगे या कि 8 साल लगे, और उनके फर्जंद हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी यही मरवी है, तो उनने भी ये 8 से 12 का आदत पहन ली है, और उन्होंने भी इतना। अब इससे क्या मुराद है? इससे देखना है सहाबा का तर्ज़ अमल कुरान के साथ क्या था, इससे देखना है सहाबा का कुरान के साथ तर्ज़ अमल क्या था। तो ये नहीं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल सूरह बकरा को इन्हें हिफ्ज किया, ये मतलब है कि सहाबा का ये मामूर था कि जो आयत सुनते उस पर अमल करने की कोशिश, जो आयत सुनते उस पर क्या करते और फिर आगे चलते। इस तरह से, इस लिहाज से ये 12 साल या 8 साल का आदत है हज़रत उमर के बारे में भी, और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी, और सहाबा का ये मामूल हमारे लिए भी रहनुमा है कि हम कुरान करीम के ये जो सूरह बकरा है इसमें उलमा किराम ने फरमाया इसमें 1000 अवामिर हैं। क्या है? 1000 अवामिर। अवामिर यानी अमर, जिनका करने का हुक्म दिया गया है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और 1000 मनहियात हैं, यानी 1000 वो चीज़ें जिनसे अल्लाह ने मना किया, और 1000 वाकयात हैं जी। तो कुरान करीम जो है ये अमल के लिए दुनिया में आया, ये खाली पढ़ने के लिए, ये खाली बरकत की किताब नहीं है। तो जब तक एक बंदा मोमिन कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं कायम करता कि इसके, जैसे मुफ्ती नज़ीर साहब ने पिछले मजलिस में फरमाया कुरान करीम के हुकूक में से कि पहला हक इस पर ईमान लाना है, इस पर ईमान लाए कि अल्लाह की किताब है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस किताब को लाए, और उसके बाद इसको पढ़ना सीखना है, इसके यानी तजवीद व नाजरा, इसको सही तरीके से इसको पढ़ना सीखना है, और उसके बाद इसकी तिलावत, और इसकी तिलावत जैसा इसकी तिलावत का हक। हम तो सब इसमें क्या है, यानी इसमें हम सब लोग जो हैं
बहुत ही यानी गुनहगार हैं इल्ला माशा अल्लाह कि गालिबन ये इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि वो तिलावत कर रहे थे। इमाम शाफ़ई कैसी तिलावत करते थे? भाई अल्लाह ने इस उम्मत में ऐसा ज़हीन शख्स जिसको पैदा किया वो इमाम शाफ़ई की ज़ात थी, यानी इंतहाई ज़कावत और ज़हानत अल्लाह ताला ने उनको दिया था, बहुत ऊंचे दर्जे के अल्लाह ताला ने उनको खास कर दिया था हजरत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को, तो तिलावत कर रहे थे और एक औरत बाहर से जा रही थी। अब वो औरत क्या कहती है कि तुम मैं नकल करता हूँ वरना इमाम शाफ़ी अलैह रहमतुल्लाह का तो मुकाम बहुत बुलंद है, हम लोग उसको कहने के भी काबिल नहीं है। तो उस औरत ने कहा ऐसा ही तुझे हो जाए जैसे तूने इस कुरान को किया, ये बेचने की जात को कश्मीरी में हम ये कहें। अब देखना चाहिए उस औरत का मुकाम क्या होगा, उस औरत का मुकाम जिसने यानी इमाम शाफी अलैहि रहमा के तिलावत में भी उसने समझा कि वो हक पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ? यहाँ पानीपत में बुजुर्ग के बारे में आता है, हम ये क्या कहते हैं पानीपत में एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि जब वो तिलावत करते थे, क्या करते थे? तिलावत करते थे तो उनके जो सहन में एक चश्मा था, अब वो चश्मा वजन में आता था, जोश में आता था उनकी तिलावत से, और उसका पानी आता था इनके कदम मुबारक तक पहुंचता था। जब तिलावत बंद करते तो वो चश्मा वो पानी फिर वापस वो चश्मा फिर साकिन हो जाता। ऐसे बंदा अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया। हम इसको क्यों बार बार दोहराते कि कालेबन मजलिस में कोई ऐसा होगा उसकी बरकत से हमें भी नसीब होगा, हम सब लोग इसमें इल्ला माशा अल्लाह यानी बहुत ही क्या है काहिल हैं, सुस्त हैं और यानी मुजरिम हैं, मुजरिम हैं हम। न नमाज के साथ सब न नमाज के साथ हमारा यानी इंसाफ हो पा रहा है, न तिलावत के साथ इंसाफ हो पा रहा है। सुनते हैं कहते भी हैं लेकिन अमल नहीं होता, सुनते भी हैं कहते भी हैं लेकिन अमल नहीं होता। तिलावत जो है मुस्तकिल इबादत, तिलावत क्या है? मुस्तकिल इबादत है, जैसे नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, तिलावत भी नफ्स तिलावत। एक तो इसकी तफहीम है, इसको समझना है और इसकी तामील है, इस पर अमल करना है, और एक है नफ्स तिलावत। तो इस तिलावत को किस एतबार से मुस्तकिल, तो जो ये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हर हरफ पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, ये 3 हरफ है, अलिफ अलग लाम अलग मीम अलग, और अलिफ पर 10 लाम पर 10 मीम पर 10, और तो अलग चीज़ है सवाब। ये सवाब का ये सवाब का जो ये है तसव्वुर वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसके आगे जो तिलावत है ये अल्लाह ताला से हम कलामी का है। अल्लाह जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला के बारे में हजरत ने ये रिवायत किया गया, वो फरमाते थे कि जब वो चाहते कि अल्लाह से बातें करें, जब दिल चाहता था अल्लाह से तो नमाज शुरू करते थे, तो नमाज में बंदा अल्लाह से बातें करता। अल मुसल्ली युनाजी रब्बहू जो नमाज को शुरू करता है वो अपने मौला के साथ सरगोशी करता है, अपने मौला के साथ वो बातचीत में क्या हो जाता है मशगूल हो जाता है। अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए। तो
जब दिल चाहता था कि अल्लाह से बातें करें तो नमाज को शुरू करता है, और जब दिल चाहता है अल्लाह मुझसे बातें करें तो तिलावत को शुरू करता है। और सहाबा के पास यही दो चीजें थी। सहाबा